जी साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे जी न्यू हॉलैंड के 3600 हेरिटेज एडिशन जो है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके अंदर न्यू हॉलैंड के दो मॉडल आते हैं जी, एक तो हो गया ये 3600 सुपर हेरिटेज और एक हो गया जी ये ऑलराउंडर -2। और इस मॉडल के अंदर भी आपको दो मिलेंगे जी, एक सिंपल हेरिटेज जो एडिशन होगा और एक जो सुपर वाला एडिशन होगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये जो है ट्रैक्टर है पूरे 50 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर है जी, और फोर व्हील और टू व्हील दोनों में उपलब्ध है। एज अ कस्टमर डिमांड आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। 50 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर है, 2931 cc का इसके अंदर इंजन लगाया गया है और ये इनलाइन पंप के साथ आता है जी। इसके अंदर जो पहले इंजन आता था वो सिम्पसन का इंजन होता था जो मेसी अपने ट्रैक्टरों में लगा कर देती है। अब इसके अंदर जो है 3630 का जो इंजन है वो इसके अंदर लगा दिया गया है, तो ये इसके अंदर बड़ा बदलाव कर दिया गया है और भी काफ़ी सारे बदलाव हैं, मैं वो आपको वो वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको एक हैवी ड्यूटी बम्पर मिलता है जी, जो कंपनी फिटेड है, हैलोजन लाइट है। फ्रंट में आपको बैटरी मिलती है, फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल एक्सल है, आप अपने काम के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर पाएंगे जी, जैसे कमर्शियल और फार्मिंग के लिए। 6 जो उसके टायर दिए गए हैं वो आपको मिलेंगे जी 650/16 के, और जो पिछले टायर दिए गए हैं इसके अंदर वो आपको मिलेंगे जी 1428 के, MRF के टायर दिए गए हैं। उसके बाद बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो दोस्तों इसके अंदर कॉन्स्टेंट मैश वाला गेयरबॉक्स मिलता है विद साइड शिफ्ट वाला गेयरबॉक्स दिया गया है इसके अंदर, जो कि हाई लो के साथ आता है जी, यानी कि इसमें 8+2 का गेयरबॉक्स दिया गया है। और ये ट्रैक्टर जो है डबल क्लच के साथ दिया गया है जी, विद इंडिपेंडेंट पीटीओ लीवर, ये इसके अंदर पीटीओ लीवर दिया गया है। और इसके अंदर आपको 7 तरह की पीटीओ मिलती हैं जी, 540 इकोनॉमिक, IPTO और रिवर्स पीटीओ, इस तरह की 7 अलग अलग गियर के अंदर 7 पीटीओ स्पीड जो मिलती हैं जी। और ये ट्रैक्टर जो है दोस्तों 2100 rated RPM पे अपनी फुल पावर जनरेट करके देता है जी। 540 चक्कर जो है वो इकोनॉमिक, ये लगभग 1700 चक्कर बना के देता है, और 540-2000 पे ये आपको बना के देगा जी चक्कर। छोटा स्टेयरिंग है, बिल्कुल पावर स्टेयरिंग के अंदर है जी, बिल्कुल छोटा स्टेयरिंग है, बहुत ही शानदार बनाया गया। सीट इसकी एडजस्टेबल है, आप अपने काम के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर पाएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे अपने वजन के अकॉर्डिंग। और दो ये ट्रैक्टर है ये पावर स्टीयरिंग के अंदर उपलब्ध है जी, सिंगल साइड सिलेंडर के साथ, ये देखिए सिंगल साइड सिलेंडर के साथ दिया गया है जी ये। और जो इसका कूलिंग सिस्टम है वो रिकवरी बोतल दिया गया है, और इसका एयर क्लीनर आपको OIB टाइप का मिलने वाला है जी, ये इसके अंदर आपको मिलेगा जी। 3 सिलेंडर ये आपको मिलेंगे जी, और स्टेयरिंग का और ड्राफ्ट वाल का अलग अलग पंप मिलने वाले हैं आपको, दोनों के दो अलग पंप हैं। नीचे ये वाटर सेपरेटर दिया गया है, एक फिल्टर दिया गया है यहाँ से, और इसके अंदर आपको तेल में भीगे हुए ब्रेक मिलेंगे जी। यहाँ पे 12 वोल्ट का स्लॉट दिया गया है फ़ोन चार्ज करने के लिए। लिफ्टोमेटिक स्विच के साथ आता है जी ये, लिफ्टोमेटिक स्विच के साथ, यानी कि जो आप अपने लिफ्ट को सेट करने के बाद आपको DC-PC पॉइंट छेड़ने नहीं है, सिर्फ लिफ्टोमेटिक स्विच के साथ ही आप इसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा बदलाव इस ट्रैक्टर के अंदर किया गया है कि एक्सल का जी, पहले ये जो है हब रिडक्शन के अंदर आता था, लेकिन अभी पैलेंट्री ड्राइव के अंदर देना शुरू कर दिया कंपनी ने, ये इसके अंदर जो है बदलाव कर दिया गया काफ़ी बड़ा। उसके बाद बात करें कि इसके अंदर आपको जो है 3 लिंकेज पॉइंट मिलते हैं ADDC के, ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट ड्राफ्ट और कंट्रोलिंग के 3 पॉइंट दिए गए हैं, वो आप अपनी मिट्टी के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं जिसका। डबल डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर आपको मिलता है, जिससे कि आप टिपिंग वगैरह का कंप्यूटर लैंड लेवलर वगैरह चलाने हो तो वह आप इसके ऊपर आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट दी गई है, पीछे रिफ्लेक्टर मिलेगा, बोतल रखने के लिए गेज मिलेगी, ये सुविधा इसके अंदर आपको मिलने वाली है। उसके बाद बात करें अगर इसके हम PTO HP की, तो इसकी जो PTO HP दी गई है वो 42.5 HP की PTO HP मिलने वाली है, और जो इसका SFC दिया गया है 198 का इसका SFC आपको मिलने वाला है। अलग अलग टाइप के इसके अंदर PTO है, 7 तरह की, जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि
इसमें आपको 540 इकोनॉमिक, आईपीटीओ, रिवर्स पीटीओ और अलग अलग गियर के अंदर अलग अलग स्पीड इसके अंदर आपको मिलती हैं जी। ये इसके अंदर स्पीड दी गई है 1600 केजी इसकी लिफ्ट कैपेसिटी आपको मिलेगी जी। तो किसान भाइयों, अगर हम इसकी फॉरवर्ड स्पीड की बात करें तो लगभग जो ये ट्रैक्टर जो रोड पे जो दौड़ सकता है जी, वो लगभग 32 किलोमीटर की स्पीड से रोड पे आगे दौड़ सकता है जी। ट्रैक्टर को यहाँ से भी जो है कवर कर दिया गया है फ़ैन की तरफ से, दोनों साइड से आपको कवरिंग मिलेगी ताकि जो डस्ट वगैरह है ट्रैक्टर के अंदर फ़ैन के पास, रेडिएटर के पास ना जाए, उसके लिए इसको कवर कर दिया गया है। तो भाइयों ये थी जानकारी न्यू होलैंड के 3600 हेरिटेज एडिशन के, जो कि सुपर के अंदर आता है जी, 2021 नया मॉडल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।